स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। ऐसा मत कर बिंदी मारे छोरे के साथ। मैं जानती हूँ बाबा साहब कि मेरे IPS ना बन पाने से सबसे ज्यादा तकलीफ सूरज जी को ही होगी, पर मुझे उससे भी ज्यादा तकलीफ तब होगी जब वो बाबू से दूर हो जाएंगे। बाबू से दूर रहकर नहीं रह पाएंगे वो, और मैं भी नहीं रह पाऊंगी बाबा साहब। बाबू के बिना रहना, ये तू क्या कह रही है विनी? बता 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 विनी क्या बात है? देख मने घबराहट हो रही है, मने बता जल्दी। क्यों अलग रहना पड़ेगा सूरज को अपनी भावों से, बता मने। हो दिया और बाती हम। कोई दबाव ना है बीनड़ी, तू फैसला अपनी मर्जी से कर सके कि प्रतियोगिता जीतनी है या हारनी है। मैं क्या करूं, आज का फाइनल राउंड बहुत कठिन है, इसलिए एक भी सवाल का जवाब आया ही नहीं मुझे। मैंने कुछ पूछा क्या थारे से? जो तू जवाब दे रही है विंदनी, हरा अनुभव तुझे कहे विंदनी कि कोई मांगने से पहले ही सफाई देवे है ना, वो जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहा है। बता बिंदनी तू क्या छुपा रही है? जिसने थारे हाथ प्रतियोगिता में बांध रखे। ऐसी कोई बात नहीं है बाबा साहब, मैंने बताया तो कि आज सवाल बहुत कठिन है जिनके जवाब मेरे पास नहीं थे। अच्छा बिंदनी, तू बाकी से जितना चाहे झूठ बोल ले, पर हारे से कोनी बोल सकेगी तू? वो मजाक या हड्डी वाले सवाल का जवाब तो तुझे पता था, सूरज को समझाया भी था, फिर वो जवाब कैसे याद ना रहा था? जरूर कोई बात है जो सवाल का जवाब ना देने के लिए थारा मुंह ना खोल रहा है, पता मारे को क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं बाबा साहब, मैंने बताया तो आपको कि आज का फाइनल राउंड बहुत कठिन है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे। हाँ, मुझे जवाब पता था, वो शायद घबराहट के मारे मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। अच्छा, तारी घबराहट के पीछे कहीं वो वजह तो नहीं जिसके चलते तूने अपने दोनों मटकों की बलि दी थी? पापा साहब, सब जानता हूं बिंदनी, जो तूने बताया वो भी और जो तू ना बता पाई वो भी। बड़ी बिंदरी होने के नाते तूने जितनी भी कुर्बानियां दी सब जानता हूं मैं। बहुत दुख हुआ था मने जब वो दोनों मटके टूटे थे, लेकिन जब तीसरे मटके के साथ सूरज का गहरा विश्वास दिखा ना मैंने, तो मने भरोसा हो गया, मने भरोसा हो गया कि तू इस बार वैसी गलती को नहीं करेगी। अरे को अंदाजा भी है बिंदरी, थरे इस तरह जानबूझकर हारने की वजह से सूरज का विश्वास किस तरह से टूट रहा है। चेहरे से अपना दर्द वो ना दिखावे है बिंदनी, पर मैं जानू मारा बेटा अंदर ही अंदर मर रहा है बिंदनी। मारे को तो आज इस बात की चिंता हो रही है बिंदनी कि कहीं उसकी हंसी, उसका विश्वास कहीं हमेशा के लिए अस्त ना हो जावे, और जे हुआ
तो आज के बाद वो कभी उठ ना पाएगा बिन्नी। मैं जानूंगा बेटा कि तू अंदर ही अंदर घुट रही है, पर तू मने एक बात बता, मारी जगह अगर थारे पिताजी होते तो क्या तुम उन्हें ये दुख ना बांटती? बिन्नी कम और घर की बेटी ज्यादा माना है मैंने तुम्हें। बता ना, बता वो कौन सी मजबूरी है जिसने ये थारे हाथ बांध रखे? तुम्हारे को बता के अपना मन तो हल्का कर ही सकती है ना। बता के दिक्कत है जो तू सूरज के साथ ऐसा करे? थारे को मारी कसम है, बता। बता अभिनंदनी, अगर तू मने अपना पिता समझती है तो बता मने के सच के है। हिचकिचा मत अभिनंदनी, देख ये बात थारे और मारे बीच में ही रहेगी। बाबा साहब मेरा भरोसा कीजिए, मैं सूरज जी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहती। विश्वास नहीं तोड़ना चाहती तो फिर ऐसी क्या वजह है अभिनंदनी जो तू ऐसा कर रही है? बाबा साहब बाबू का दिल भी तो नहीं दुखा सकती। बाबू साहब मेरा सपना बाबू की नजर में गलत है। भले ही सूरज जी के चलते बाबू ने मुझे कई मौके दिए, पर सच तो ये है कि अंदर ही अंदर वो बहुत कुट रही है। घर में किसी से इस बारे में वो बात भी नहीं कर सकती। उनकी घुटन के बारे में मुझे सबसे पहले मोहित और एमली की शादी में पता चला, जब उन्होंने मुझे शराब वाली चॉकलेट खिलाई। आज मन्ने एक बार फिर अपनी बिन्नी पर बहुत गर्व हो रहा है। ले ताकि मैं अगले दिन की परीक्षा में ना बैठ सकूं। जो कुछ भी हुआ वो बाबू के स्वभाव के खिलाफ था बाबा साहब, और उन्होंने ये सब अपने स्वभाव के खिलाफ जाकर के, क्योंकि उसी रात को उन्हें अपने किए पर इतना पछतावा हुआ कि वो अगले दिन कैसे भी करके मुझे परीक्षा दिलवाने ले गए। उठ जमीन नहीं, उठ परीक्षा में जाना भी नहीं, उठ। कॉलेज में सबके आगे हाथ पैर जोड़े, अगर मैं अपनी परीक्षा दे पाई उस दिन तो सिर्फ और सिर्फ बाबू की वजह से। मेरी बाबू बहुत सिद्धांतवादी है, पहली बार मेरे शब्दों की वजह से उन्हें अपने सिद्धांतों से हटकर कुछ गलत करने पर मजबूर होना पड़ा, और इसी वजह से मुझे अपनी नजरों में भी गिरना पड़ा। सर मेरे सपने की वजह से। आप भी बताइए ना बाबा साहब, क्या मैं इतनी स्वार्थी हो सकती हूँ कि अपने सपने के खातिर अपनों का दिल दुखा दूं? ये मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं सिद्धांत, स्वभाव, मजबूरी, अपनापन, थारे इस फैसले से संतोष की तकलीफें तो दूर हो जाएगी बिन्नी, लेकिन सूरज उसका क्या? वो तो हमेशा के लिए हार जाएगा। उसकी गलती क्या है जिसकी सजा उसे मिले? उसकी गलती तो शायद यही है ना बिन्नी, कि उसने थारे सपने को अपना सपना माना, या उसकी ये गलती है कि वो हर अच्छे बुरे वक्त में थारे साथ खड़ा रहा। बिन्नी एक बात बताओ तने, मैंने थारे सपने को उसकी आंखों में पलते देखा है, और उसे उस सपने में अपनी खुशियां, अपना घमंड ढूंढते हुए देखा है मैंने। पर आज, आज के बाद शायद वो सोते हुए भी डरेगा बिन्नी।
कहीं रात को कोई सपना आ गया तो उसे बहुत तकलीफ देके जाएगा। ऐसा मत कर बिन्नी मारे छोरे के साथ। मैं जानती हूँ बाबा साहब कि मेरे आईपीएस ना बन पाने से सबसे ज्यादा तकलीफ सूरज जी को ही होगी, पर मुझे उससे भी ज्यादा तकलीफ तब होगी जब वो बाबा से दूर हो जाएंगे। बाबा से दूर रहकर नहीं रह पाएंगे और मैं भी नहीं रह पाऊंगी बाबा साहब। बाबू के बिना रहना, ये तू क्या कह रही विनी? बता 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 विनी क्या बात है? देख मने घबराहट हो रही है, मने बता जल्दी। क्यों अलग रहना पड़ेगा सूरज को अपनी भावों से, बता मने। नहीं बाबा साहब, मैं और कुछ नहीं बोल पाऊंगी। देख मैंने थारे को मारी कसम दी है, अगर तू ना बतावेगी तो मने बाबा साहब बोलने का अधिकार भी खो देगी। बता मेरी बता। बाबा साहब, बाबा ने मुझे बहुत साफ साफ कहा है कि मुझे परिवार और अपने सपने के बीच में किसी एक को चुनना होगा। ये उनका आखिरी फैसला है। बाबा साहब, मैं अपने माता पिता को खो चुकी हूं, इसलिए परिवार को खोने का दुख क्या होता है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूं। फिर से नहीं झेल पाऊंगी ये, और सूरज जी को भी ये दुख सहते नहीं देख पाओगी। इसके लिए अगर मुझे अपने सपने को भुलाना पड़ा तो मैं भुला दूंगी। और बाबा साहब, इन सब के सामने मेरा सपना तो कोई अहमियत रखता ही नहीं। बाबा साहब, ये बात एक बेटी ने अपने पिता को बताई, इसलिए उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी बेटी की मन की बात अपने मन तक ही रखेंगे। बाबा साहब, आप परेशान मत होइए, अपनों के लिए तो ये सब करना ही चाहिए ना। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने परिवार को पा सकूं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।